से दुनिया अफगानिस्तान को भूल चुकी है, खासकर जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है, जब से इजराइल हमास जंग शुरू हुई है, उसके बाद दुनिया का ध्यान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ नहीं है। लेकिन आज भारत ने भी एक बड़ी पहल की और कहा कि अफगानिस्तान को भूलना गलत होगा, क्षेत्र की शांति के लिए ये काफी गलत हो सकता है। अफगानिस्तान पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ अफगानिस्तान और तालिबान हुकूमत का हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, तालिबान की बात करेंगे, उसी बीच एक अहम खबर और आई कि तालिबान के उप विदेश मंत्री की तरफ से कह दिया गया कि हम ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते हैं। अफगानिस्तान जो है पश्तून ड्यूरेंड लाइन के इधर भी हैं और ड्यूरेंड लाइन के उधर भी हैं, और ड्यूरेंड लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान लंबे समय से आमने सामने हैं। क्या कुछ इन दोनों मुल्कों में हो सकता है आगे, क्योंकि जनरल मुनीर कई बार अफगानिस्तान को चेता चुके हैं। हर एंगल से चीजों को परखने की आज कोशिश की जाएगी। साथ ही जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के बीच बातचीत भी हुई, हुती का जिक्र भी हुआ, चीन पे भी चर्चा हुई। लेकिन ठीक एक दिन पहले विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो चीन के विदेश मंत्री से भी मिले थे। तो अमेरिका, भारत और चीन के बीच क्या खेल चल रहा है, उसको भी परखने की कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान के भविष्य पर किर्गिस्तान में चर्चा, भारत रूस चीन सहित कई देशों के एनएसए हुए शामिल। अफगानिस्तान में अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा, भारत ने कहा दुनिया ने तालिबान सरकार को नहीं दी है मान्यता। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के भविष्य पर किर्गिस्तान में चर्चा, भारत रूस चीन सहित कई देशों के एनएसए हुए शामिल। अफगानिस्तान में अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है, भारत ने कहा दुनिया ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, अलग अलग एंगल से पहले एक बार चीजों को देख लें, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत रूस चीन ईरान किर्गिस्तान कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के एनएसए इस वार्ता में शामिल हुए थे। इस वार्ता में एक नाम बड़ा अहम जो नहीं था वो पाकिस्तान का था। चलिए, चीन को छोड़कर किसी ने अभी तक तालिबान की हुकूमत को मान्यता नहीं दी है। तालिबानी मंशा पर दुनिया को अभी भी भरोसा नहीं है, सबको साथ लेकर नहीं चल रहा तालिबान, ये आरोप लगाया जा रहा है। चाहे उसमें फिर वो अल्पसंख्यक हो या फिर महिलाएं हो, उनको लेकर आरोप लग रहे हैं। तालिबान को नहीं मिली कूटनीतिक मान्यता। 15 अगस्त 2021 तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था और उसके बाद से नदी में हजारों पानी जो है लीटर पानी बह चुका है। नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा एक बार। ये समझना होगा, इस रिलेशन को हम समझेंगे, अफगानिस्तान तालिबान और भारत। दुनिया अफगानिस्तान को भूल गई है, ये डिप्टी एनएसए ने सीधे तौर पे आज कहा है। आतंकी ठिकाना ना बने अफगानिस्तान, ये भी चेताया है। अफगान में अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान में समावेशी सरकार का गठन हो, यानी कि सब को मिलाकर सरकार बने। भारत ने 2.49 लाख करोड़ का निवेश अफगानिस्तान में किया हुआ है। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, कूटनीतिक मान्यता की मांग कर रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में चीन लेकिन भारी निवेश कर रहा है और चीन उन देशों में शामिल है जिसने मान्यता तालिबान की हुकूमत को दे दी है। और जब राजदूत तालिबान के बीजिंग पहुंचे तो रेड कार्पेट बिछाया गया और शी जिनपिंग खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो चीन कौन सा खेल खेल रहा है और भारत क्यों पीछे छूट गया और दुनिया क्या वाकई में अफगानिस्तान को भूल चुकी है, कई ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और तीन खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए, मेजर जनरल संजय मेस्टन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले आपको शुक्रिया। जय हिंद। कमांडर भूषण दीवान, नेवी ऑफिसर, रक्षा विशेषज्ञ सर, जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। जय हिंद। जय हिंद राजेश। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल संजय मेस्टिन सर आपके साथ करूंगा। एक बड़ा अहम पॉइंट जो मेरे मुंह से भी निकला और शायद वो एक बड़ा अहम सवाल भी है,
कि क्या दुनिया अफगानिस्तान को भूल चुकी है। एक वक्त था अफगानिस्तान सबकी जुबान पर था, यूरोप एशिया तक चर्चा हो रही थी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद और इजराइल हमास जंग के बाद दुनिया भूल चुकी है। किस प्रकार से देखें सर? और राजेश, आपने मेरे साथ एक इंटरव्यू किया था काफी दिन पहले, और उसमें भी मेरा पहला शब्द यह था कि दुनिया अफगानिस्तान को भूल चुकी है, बहुत क्लियर बोला था। और जितने भी आज पॉइंट्स आपके ग्राफिक में आए हैं, जो वहां मीटिंग में भी हमारे एनएसएस साहब ने पेश किए हैं, बिल्कुल यही पॉइंट्स बताए गए थे। तो कहने का मतलब है दुनिया तो भूल ही गई है, लेकिन ये जो एक मीटिंग हुई है अभी किर्गिस्तान में, ये इसकी एक अच्छी पहल हुई है। और खासकर देखिए, ये अफगानिस्तान सबसे ज्यादा फर्क करता है हिंदुस्तान को, क्योंकि ये हमारा नेबर भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था 100 किलोमीटर बॉर्डर है हमारा उनके साथ। बिल्कुल सर। और उससे जरूरी है जो हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं और मिलिट्री टाइज भी हैं। मैंने आपको बताया था 30 से उनके आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर ट्रेन हो रहे थे भारत में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, और उसके बाद 1970 से नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो हमारे पास तमाम उनके साथ टाइज हैं। जो ये कंट्रीज अभी ये शामिल हुई हैं, रूस को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो इसमें शामिल हुई हैं, उनके थ्रू रूस को दो डर हैं। एक तो वहां से आतंकवाद रूस तक भी जा सकता है, और दूसरा उनको एक और डर है कि ये जो ड्रग्स है वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये इनके लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है। चाइना के लिए सिक्योरिटी चैलेंज सबसे बड़ा है उइगर्स का, लेकिन चाइना वो देश है जो अभी इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो चुका है जी। और इस वैक्यूम में जो दुनिया भूल गई है वो पूरा फायदा उठा रहा है। और आपको पता है जो वखान कॉरिडोर से उन्होंने कनेक्टिविटी कर ली है, और वहां पर $4.1 trillion वर्थ ऑफ मिनरल रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान में जी। और खासकर आइनक कॉपर माइंस में चाइना ऑलरेडी है, वो शुरू से कर रहा था जब मैं भी वहां पर था। गैस रिजर्व्स हैं आमू दरिया बेसन में। तो ये सब देखते हुए चाइना काफी पहल कर रहा है, और वो इनरोड्स कर रहा है, और उसने उसे डिप्लोमेटिक मान्यता भी दे दी है। ईरान को भी ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ईरान का ये पड़ोसी देश है, और जब अमेरिकन फोर्सेस वहां पर थे तो ईरान को ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। और जो भी तालिबान में आज हो रहा है वहां पर इलाके में, वो जितने भी वहां रीजनल प्लेयर्स हैं सबके लिए वो एक सिक्योरिटी चैलेंज है। और इस टाइम सबसे बड़ी अच्छी बात यह हुई है कि पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है, और वो मेरे ख्याल बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सारे देश जो वहां पर शामिल हुए हैं, तो मेरे को लगता है अभी कोई डायरेक्शन ढूंढा जाएगा। और पहले मैंने बताया था कि तालिबान सरकार पे सबसे ज्यादा प्रेशर हिंदुस्तान डाल सकता है, क्योंकि जैसे शेर मोहम्मद स्टेनिक्स है, वहां पर एक डिप्लोमेट है जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में नंबर 2 है जी। वो एक्स आई में इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून ट्रेंड है। बिल्कुल सर। तो उनके थ्रू अगर संपर्क किया जाए, तो मेरे ख्याल इंडिया को अभी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिसमें वहां महिलाएं और ये जो भी है और एजुकेशन का इश्यू है, ये सारी अगर हो जाती है, तो तालिबान तो एक रियलिटी है, एग्जिस्ट करेगा। अब एक है गवर्नेंस का जो मेन मुद्दा है, अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट करता है तो मेरे ख्याल वो इंडिया के हित में होगा, रीजन के हित में होगा। और पाकिस्तान के लिए तो एक और बड़ी बुरी खबर है कि इस तालिबान 2.0 ने भी ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। चलिए मैं आता हूं सर, फिर मैं ड्यूरेंट लाइन पे भी आऊंगा, कई और मुद्दे हैं। कमांडर भूषण दीवान, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस बीच दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन अमेरिका छोड़ के चला गया, उसके बाद कई ऐसे सवाल भी थे कि अब अफगानियों का गुजारा कैसे होगा, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो जी भी रहे हैं, चाहे वो किसी भी हालत में जी रहे हैं। किस प्रकार से देखें, फंडिंग जो उनके फंड थे वो सीज हैं, अमेरिका से तमाम देश जो हैं वो अब अफगानिस्तान की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन चीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहा है। वो सर ने क्लियर कर दिया कि चीन का क्या मकसद है, लेकिन भारत और उसके पड़ोसी और ज़्यादा पहल कर सकते हैं इसको लेकर? उतनी उस स्तर पे पहल नहीं हो रही है क्या, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? भूषण दीवान सर, मेरी समझ में तो पहल हो रही है, और पहल जिस तरीके से हो रही है वो नजर आ रहा है। क्यों? कि टीटीपी की मदद से बलूचिस्तान के ऊपर, खैबूर पख्तूनख्वा के ऊपर और अफगानिस्तान प्रेशर डाल रहा है, और यही तरीका है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एक हमारे बीच में पाकिस्तान बफर स्टेट बन रहा है,
इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, और वो ठीक है। और पाकिस्तान जो है अभी बिकॉज ऑफ टर्मोइल जो हो रहा है, इलेक्शंस का, अनस्टेबल का, इकोनॉमिक डाउन का, तो ये अमेरिका के सपोर्ट से और इंडिया के भी इन्वॉल्वमेंट से, इंडिया की सॉफ्ट इन्वॉल्वमेंट से और अमेरिकन फंड से ये चीज अफगानिस्तान को कंटेन किया जा सकता है थ्रू पाकिस्तान। और वो जो ड्रॉन लाइन नहीं मान रहे तो बड़ी अच्छी बात है, तो वही वो उसमें रुक जाएगा मामला सारा। और चीन तो करेगा ही, ये हमने जो किया है हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते, ना तो इंडिया के पास इतना पैसा है, ना इस टाइप की मक्कारी है कि उनके सामान पैसे दे के फिर जमीन ले लेना, उनकी माइंस ले लेना, तो ये तो लंबी लंबी। मैं अगर कमांडर भूषण दीवान आपसे ये पूछूं कि 20 साल अमेरिका ने वहां पर राज किया एक तौर पर, उसके बाद आम अफगानी को उस तालिबान के हाथों में छोड़कर वो चले गए, कितना गलत था सर और कितना सही था आपकी नजर? बहुत ही ज्यादा गलत था। अमेरिका ने बहुत शॉर्ट साइटेड सेल्फ सेंटर्ड काम किया है, $3 trillion का बिल बना दिया, वहां वेपन सप्लाई कर दिए, इंडिया ने तो वहां डैम बनाए, इंडिया ने तो रोड बनाए, म्यूजियम बनाए, पार्लियामेंट बनाई, लाइब्रेरी बनाई, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। और जब चले गए फिर कहते हैं देखिए ह्यूमन राइट्स का खतरा है। अरे भाई आप जब 20 साल तक थे तो उस टाइम आपने कुछ किया नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप कह रहे ह्यूमन राइट्स खतरा है, आप तो काबिल थे ना वहां पे इसको संभालते, उनका संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके तो खाली अपना अपने मिलिट्री ऑर्डर्स मिलते रहे, उन्होंने बिल बना दिया। तो ये बड़ी शॉर्ट साइटेड चीज है जो किए इन्होंने, और इसको एक हॉटस्पॉट बना के छोड़ गए। और इसमें क्या हो रहा है, इस हॉटस्पॉट में वेको बना के छोड़ गए, चीन तो घुसेगा ही, तो ये हमारे लिए भी तकलीफ है, नेबरहुड के लिए तकलीफ है, और सेंट्रल रिपब्लिक्स पांच रिपब्लिक ओपन जो है उनके लिए तकलीफ है। ये बड़ा एक हॉटस्पॉट अमेरिका छोड़ के गया है, बहुत गलत है। इंडिया ने कंस्ट्रक्टिव रोल लिया, इसलिए हमारे कॉन्टैक्ट वहां पे है इस लेवल पे, हर लेवल पे जो हमारी बात हम उनसे पहुंचा सकते हैं, और अफगानिस्तान एक नॉर्मेंसी की तरफ, रूटीन मैनेजमेंट गुड गवर्नेंस की तरफ आए। ठीक है, मैं मुंबई में मिला हूँ एक अफगानी कपड़े को परसों, कहीं पे ही मैंने देखा, वो कहते वो तो बड़े खुश हैं अपनी गवर्नमेंट से, नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं हमको। और ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार वेस्टर्न मीडिया की बातों से भी हम लोगों को भ्रमित किया जाता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है महेंद्र सिंह, भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, और वो तालिबान से भी यही कह रहा है कि आप एक समावेशी सरकार लाइए, महिलाओं को भी उतना ही उभरने का मौका दीजिए जितना जरूरी है। आप 50% आबादी को पीछे छोड़कर ये कभी कल्पना नहीं कर सकते कि एक देश के तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चियों को शिक्षा दीजिए, उन्हें स्कूल जाने दीजिए, उन्हें कॉलेज जाने दीजिए, और महिलाओं को काम करने दीजिए। लेकिन तालिबान इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है, किस लिहाज से देखें क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए राजी जी, सबसे प्रमुख बात है कि तालिबान जो है वो अपनी विचारधारा जो बनती इस्लामिक विचारधारा है उससे कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसको सत्ता ही वहां से इसी वजह से हासिल हुई है। लेकिन जो बाकी पड़ोसी देश हैं ये उनके लिए चिंता का विषय है जी। और हमसे भारत से ज्यादा जो चिंता का विषय है, आप देखिए कि जो सेंट्रल एशियन पॉपुलेशन फॉर्मर यूएसएसआर सोवियत यूनियन के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, अगर हम तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्राइसिस बढ़ सकती है, उनके यहाँ जो क्योंकि वो सोवियत संघ के साथ जो है इस कट्टरपंथी विचारधारा से बहुत दूर चले गए थे, वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं थे, हालांकि वहां पे जो है मेजोरिटी जो है इस्लाम के फॉलोअर्स की रही है कई देशों में, तो उनके यहाँ ज्यादा प्रभाव आर्थिक रूप से उनके ऊपर दबाव है, जिस प्रकार से रिफ्यूजीज वहां गए हैं, तो उनसे प्रेशर बन रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह। उसके बाद ईरान पे भी दबाव है जो उसका पड़ोसी देश है, चीन जो उसे बॉर्डर शेयर करता है कुछ हद तक, बहुत छोटा बॉर्डर है लेकिन, तो ये सारे देश अगर अनस्टेबल अफगानिस्तान रहता है तो ये सारे देश प्रभावित होने वाले हैं। हाँ निश्चित रूप से जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत ने हमेशा से जो है एक जो है पीसफुल सेंट्रल एशिया की बात की है, क्योंकि और हमने अगर आप देखिए तो जैसा अभी बातचीत की जा रही थी, हमने वहां की संसद बनाई, हमने वहां के हॉस्पिटल्स बनाए, और बहुत ही अगर देखें तो हमने पूरी कोशिश की कि वहां पे ये जो कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा है ये ना पनपने पाए, इनका इनका शासन वहां स्थापित ना। मैं महेंद्र जी एक और पॉइंट आपसे समझना चाहता हूं, मैं दो एक पॉइंट और समझना चाहता हूं कि तालिबान चाहता है कि उनकी हुकूमत को कूटनीतिक मान्यता दी जाए,
बिना मान्यता के भी वहां की लाइफ चल रही है, मान्यता देने के बाद और ना देने से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या कुछ बदल सकता है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से बिना मान्यता दिए जो है वहां पे जो देशों के बीच संबंध नहीं स्थापित होंगे, जो अर्थव्यवस्था प्रभावित, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, कोई मानवीय सहायता देना चाहेगा वो नहीं उनको मिलेगी, और जिस तरीके से वहां पे एक तरीके से आप कहें भुखमरी जो है के कगार पे हैं और भुखमरी वहां पे फैल रही है और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से एकदम ध्वस्त हो गई है, तो बिना जो है कूटनीतिक मान्यता के कोई भी देश आगे आके समर्थन नहीं कर सकता, उनका सहयोग नहीं दे सकता है। और जिस तरीके से सभी बड़े देशों ने एक तरीके से जो आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान को भूल गए हैं, तो उन्हें ये निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और यही शायद कारण है कि किर्गिस्तान में ये बैठक हुई है कि वहां पे जो ये अगर बेरोजगारी भुखमरी फैलती है तो उसका प्रभाव और ज्यादा हो सकता है। मैं आता हूं, सभी पड़ोसी देशों को उसको महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, एक पॉइंट और जो मुझे समझना है आपसे, क्योंकि आपने लंबा वक्त अफगानिस्तान में दिया है मिलिट्री अटैचे के तौर पर, आम अफगानी की क्या सोच भारत के लिए और भारत किस हद तक उस सोच को और गहरा करने की जरूरत है, क्या कुछ भारत कर सकता है? देखिए, भारत ने तो वहां बहुत कुछ किया है और जो अफगानी है वो हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा चाहते हैं और सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो पाकिस्तान से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन है। और वहां के लोगों के लिए भारत हमेशा करते ही आया है, चाहे वो मिलिट्री टाइज हो, चाहे कल्चरल टाइज हो या इकोनॉमिक टाइज हो, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। तो मैं जब वहां खुद था, मैंने देखा वहां के लोग हमें बहुत ज्यादा, और वहां के सारी हुकूमत भी इस समय, और मैं तो बोलूंगा तालिबान को भी कई बार हम मिले हैं, तो वो भी मानते हैं कि भारत सरकार का और हमारे देश का बहुत बड़ा रोल है वहां के लोगों के ऊपर। और देखिए, इसीलिए ड्यूरन लाइन को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो मेरे ख्याल भारत ने बहुत कुछ किया है, और अभी भी तालिबान के टाइम में आप देखिए हमने एड पहुंचाई है, वीट वगैरह पहुंचाई गए, तो ये सारे हमने कार्य किए हैं, लेकिन हम बार बार उनको मान्यता इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान कभी भी मान्यता नहीं दे सकता है जब तक वो एक इंक्लूसिव सरकार की तरफ ना देखे। और जहां तक अभी ड्यूरन लाइन का सवाल है वो हमारे हित में है। बिल्कुल सर, मैं आता हूँ उस मुद्दे पर, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा सर, छोटे से ब्रेक ले हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ अहम मुद्दे हैं जिसपे चर्चा करेंगे, जिसमें ड्यूरन लाइन का भी बड़ा अहम मुद्दा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये ड्यूरन लाइन का मसला है क्या और क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसको लेकर आमने सामने है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर इसी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को फिर हड़काया, तालिबान का ड्यूरन लाइन को सीमा मानने से इनकार। बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान ने पाकिस्तान को फिर हड़काया, तालिबान का ड्यूरन लाइन को सीमा मानने से इनकार। अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन के दूसरी ओर भी मौजूद, ड्यूरन लाइन पर लगाई बाड़ को उखाड़ा तालिबान ने अब पाकिस्तान को फिर हड़काया, तालिबान का ड्यूरन लाइन को सीमा मानने से इनकार। अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन के दूसरी तरफ भी मौजूद है, ये तालिबान का दावा है। ड्यूरन लाइन पे लगाई बाड़ को उखाड़ दिया तालिबान ने। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक बाइट छोटी सी, फिर एक्सपर्ट्स के पास। तालिबान पाकिस्तान विवाद को क्यों, ड्यूरन लाइन को बॉर्डर नहीं मानता तालिबान, पश्तूनों को बांटता है ड्यूरन लाइन, ये तालिबान का दावा है। पाक की बाड़ को उखाड़ दिया गया, पाक का आरोप टीटीपी के साथ तालिबान, इस मुद्दे को लेकर दोनों आमने सामने हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ है, भाई तालिबान का आरोप है कि आईएसआईएस को आईएसआई का समर्थन है, अफगानिस्तान को तबाह करना चाहता है, अस्थिर करना चाहता है पाकिस्तान, ये भी आरोप पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान लगा रहा है। पाक के कई अधिकारी और नेता जो हैं, सैन्य अधिकारी और नेता जो हैं, काबुल जा चुके हैं। लेकिन जल्दी से वो बयान मैं आपको सुना देता हूं, शेर मोहम्मद अब्बास
उनकी सरकार, हमारी सरकार ड्रोन लाइन को नहीं मानती है। अफगानिस्तान की सीमा ड्रोन लाइन की दूसरी ओर भी फैली हुई है। वो कहते हैं कि ड्रोन लाइन के कारण अफगान नागरिकों के परिवारों का बंटवारा हुआ है, लोग अपने सगे संबंधियों से बिछड़ गए हैं। ड्रोन लाइन विभाजन के लिए उन्होंने अंग्रेजों को भी जिम्मेदार ठहराया। नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकजई, उप विदेश मंत्री तालिबान, और मेजर जनरल संजय मेस्टिन सर, इन्हीं की शायद आप बात भी कर रहे थे, शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकजई, क्योंकि जब 2021 में सब कुछ अफगानिस्तान में हो रहा था तो मुझे याद आ रहा है कि यही वो चेहरा था उस वक्त जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने भारत में आकर जो है ट्रेनिंग ली हुई है मिलिट्री की। मैं उस लिहाज से समझना चाहूंगा ड्रोन लाइन और जिनकी हम बात कर रहे थे स्टेनिकजई की, जो कि उप विदेश मंत्री हैं, ये क्या रोल अदा कर सकते हैं सर? देखिए, स्टेनिक साहब बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पहली बात, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक साल थे और उससे पहले तीन साल आर्मी कैडेट कॉलेज में जी 1982 बैच वो पास आउट हुए थे। चार साल वो हिंदुस्तान में रहे हैं और जो मेरे खुद के साथी अफगानी थे वो भी उनको जानते थे, तो हमने इनके साथ संपर्क किया था। ये इंग्लिश और ये सब जानते हैं और हिंदुस्तान का कल्चर जानते हैं और कुछ चीजें मैं उनके बारे में बता नहीं सकता हूं, पर वो बिल्कुल प्रो इंडिया थे। अब वो वहां पर अगर हम बैठे हुए हैं, आज हमारे लिए सबसे बढ़िया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वही है, शेर मोहम्मद स्टेनिकजई। और ये दोहा पीस टॉक्स कतार में भी जो चलती थी वहां पर भी ये मौजूद थे, तो इनके साथ संपर्क करना बहुत आसान है। और हमारी जो सेना इनको जानती है और खासकर कई लोग इनको जानते हैं, तो उससे एक बहुत ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो के ये हमारे देश के हित में है। और इन्होंने जो आज स्टेटमेंट भी दिया है, बिल्कुल बहुत ही पिन पॉइंटेड स्टेटमेंट दिया है। और जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था, इंडस रिवर तक थी एक्चुअली जो ब्रिटिश इंडिया तब और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर था, ये तो ड्यूरन लाइन 1893 में क्रिएट करी थी, ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की थी और इसीलिए वो उनको ब्लेम भी करते हैं। बिल्कुल पिन पॉइंटेड स्टेटमेंट है, ये भारत के हित में है। और साथ ही ये जो वहां पर अफगानी इनके खिलाफ है वो तो शुरू से ही खिलाफ थे। उन्होंने बहुत सही स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान इनको हमेशा मैनिपुलेट करता रहा है और आज वही अफगानी और ये तालिबान समझ गया है कि ये इनको यूज कर रहे थे, इन्हीं को दोनों तरफ में पश्तून को डिवाइड यही करवा रहे थे जी। और वो पाकिस्तान का एम अचीव हो रहा था। मैंने उस दिन बताया था जब सारे पश्तून यूनाइट हो जाएंगे तो ये ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाएगा और खैबर पख्तूनवा और पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान अफगानिस्तान में चले जाएंगे। तो ये भी एक मेरे को उम्मीद दिखती है, ये पॉसिबल है और ये होगा, आप देखते रहिएगा। क्योंकि पश्तून हमेशा अपने को पहले वो समझते हैं, वी आर पश्तून फर्स्ट। अगर वो जब यूसुफ मलालई को भी जब ये नोबल पीस प्राइज मिला था, उसने सबसे पहले बोला आई एम अ पश्तून फर्स्ट देन अ पाकिस्तानी। तो पश्तून की जो एक पश्तून वाली कोड है, वो चाहते हैं कि ये ड्रोन लाइन का मसला खत्म हो जाए और ये बिल्कुल पूरा ये इलाका वापस अफगानिस्तान में, जो उनके पुराने जो दोस्त मोहम्मद वगैरह ये सब यही चाहते थे, ग्रेटर अफगानिस्तान। इसीलिए तो ये पाकिस्तान वहां इंस्टेबिलिटी लेके आया, टेररिज्म लेके आया, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म लेके आया। तो ये पाकिस्तान का स्टेटेड एम था कि उनको तोड़ना। और अब अफगानी को रियलाइज हो गया है, तालिबान को रियलाइज हो गया है, अब वो खुद जुड़ के, और मेरे ख्याल अब वो पाकिस्तान को हर लिहाज से, वहां टीटीपी को भी सपोर्ट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो अब पाकिस्तान को यही जो इन्होंने सांप पाला था, अब वही सांप इनको वापस काटेगा और ये हमारे देश के लिए बिल्कुल फायदे में भी होगा। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं कमांडर भूषण दीवान सर, मैं एक चीज जो समझना चाहता हूं आपसे कि 20 साल तक इसी तालिबान को तो अमेरिका से पाकिस्तान ने बचा के रखा था, छुपा के भी रखा, अमेरिका को जानकारी भी इसके बारे में नहीं दी। और जब यही तालिबान सत्ता में बैठा, हमें वो दिन याद है 2021 के, जब पाकिस्तान की आर्मी, उनके जिहादी लगातार सपोर्ट कर रहे थे अफगान आर्मी के खिलाफ तालिबान को। अचानक पिछले 2 साल में ऐसा क्या बदल गया कि दोनों ही अब आमने सामने हैं? अमेरिका की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर इस सब चीज को दबा के बैठी थी। अब जब तालिबान कंट्रोल में आ गया है, फ्री हो गए हैं, तो ये पश्तून जो हैं, अफगान जो हैं, इनको अंग्रेज भी नहीं दबा पाए। आप जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं आप, तो ये किसी के नीचे रह नहीं सकते। और पाकिस्तान में कौन द शॉट्स? पंजाबी। तो ये पश्तून को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत दुखी है। और ये काम ये उसमें ऑलरेडी बॉम्ब पड़ा, ऑलरेडी समझिए बारूद काफी ऑलरेडी है। पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, पिछले जो सेशन में बात हो रही थी, देखिए
अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, ईरान और इंडिया, अगर इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है तो ऊपर पांच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स टीटीकेयू, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो भी पांच है और ईरान, और ये चाबहार से अगर ये रूप निकलता है सी साइड के लिए, इंडिया भी यही चाहता है, इंडिया और पूरे वर्ल्ड की मध्यस्थता से अगर अफगान को डिफ्यूज करना है एज ए टेररिस्ट स्टेट तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगाना है। वो कैसे होगा, ईरान के लिए सबके लिए कि उनको एक तरीका मिले सी साइड आने का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फोकस के ऊपर, ये अगर एनलाइटमेंट स्टेप लेती है इंडिया और ये जो कंट्रीज इन्वॉल्व है एनएसए मिल रहे हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि अफगानिस्तान अपने इरादे से टेररिस्ट में जीता वो हट जाएगा और मेन स्ट्रीम में वर्ल्ड के मेन स्ट्रीम में आएगा। और उसमें जो आप कह रहे हैं कि आप तालिबान के डोमेस्टिक प्रेशर होते हैं, आईएसआईएस खुरासान प्रिंस वो तालिबान को कहते हैं तो तुम काफी रहो क्यों भाई, तुम तो समझौता कर लिया उस अमेरिकन के साथ, समझौता क्या होता है, गोली मार रही थी, अब समझते हैं डोमेस्टिक प्रेशर है तो वो उनको दिखाने के लिए किसको अपोजिशन को दिखाने के लिए अपनी कंट्री में कि आप तो ज्यादा तगड़े बुल्ला है वो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं और तुमको दबाना है सब करना जी। ये लॉन्ग टर्म ये है इकोनॉमिक में डालने का। ठीक है, मैं कब आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर महिंदर, एक चीज और भी है, मैं फिर 15 अगस्त 2021 में चला जाऊं तो मुझे आईएसआई के चीफ वहां पर चाय पीते हुए नजर आते हैं, वो कप की प्याली उनके हाथ में और तालिबान के तमाम टॉप लीडर उनके साथ थे और पाकिस्तान के संबंधों पर उसी दिन सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन आज वही पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि यह तालिबान जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, भाई वही तालिबान जो हुकूमत में वो कह रहा है कि नहीं ये आईएसआईएस को समर्थन दे रहे हैं, ये तमाम उन संगठनों को समर्थन दे रहे हैं जो अफगानिस्तान को या तालिबान की सरकार को अस्थिर कर सकें, कितनी सच्चाई दोनों के दावों में और ऐसा क्यों हो गया कि दोनों ही वो देश जो आतंकियों को पालते हैं वो ही आज आमने सामने हैं। देखिए प्रमुख बात है पाकिस्तान है जी जो है अफगानिस्तान के इलीगल माइग्रेंट जो है उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन का मसला जो है अफगानिस्तान ने तेजी से उठाना शुरू किया है। ये अगर आप जो है हमारे नागरिकों को जबरदस्ती जो जो खासकर तालिबान के टेक ओवर के बाद ही आए थे और कुछ बहुत पहले से जो है शरणार्थी की तरह यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे थे उनको वापस भेजने की घोषणा की और एक डेडलाइन बनाई, उसके बाद से ये संघर्ष शुरू हुआ और पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही जो है वो खराब हालत में थी और उसको लगता था कि ये एक जो है आर्थिक बोझ है हमारे ऊपर, तो यहीं से जो है मुझे लगता है कि जो खाई है वो और काफी बढ़ गई। उसके अलावा जो बॉर्डर पे खासकर आप देखिए कि पाकिस्तान में भी जो आर्थिक असमानता है जो रीजनल इनइक्विटी जो क्षेत्रीय असमानता है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जहाँ एक तरफ से पंजाब सिंध प्रॉस्परस हुए हैं वहीं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और बाकी ये जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर वाला इलाका है करीब 2600 किलोमीटर है जी। वो इलाका जो है खासकर जो ट्राइबल जो बेल्ट है पाकिस्तान की वो जो है उपेक्षा का वहाँ की जो लीडरशिप रही है उसकी उपेक्षा का शिकार रहा है और वहाँ पे जो है आर्थिक स्थितियाँ बहुत खराब है वहाँ की लोगों की, तो ये हमेशा से एक ग्राउंड रहा है। खासकर अगर हम देखें तो कट्टरपंथी जो उग्रवादियों का जो आतंकवादियों का, तो अब जो है निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि तालिबान को भी अब एहसास हो रहा है, उनकी लीडरशिप को भी एहसास हो रहा है कि अगर बॉर्डर पे जो समस्याएं हैं उसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है ठीक और है। उन्होंने उनके उनके देश में भी जो समस्याएं रही उनके पीछे पाकिस्तान कहीं कहीं जिम्मेदार है। कहें तो इतिहास डॉक्टर महिंद्र बताता भी है कि अगर अफगानिस्तान की ये जो हालत हुई है इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर पाकिस्तान ही जिम्मेदार है और किसी हद तक नहीं बल्कि पूरी तरह से उसका एक और खास दोस्त अमेरिका वो भी जिम्मेदार है अफगानिस्तान को यहां तक पहुंचाने के लिए। मैं आऊंगा लेकिन एक पॉइंट और है सर, मेजर जनरल संजय मेस्टन सर जो समझना बहुत जरूरी है, हाल ही में पिछले 6 महीनों के अंदर जनरल मुनीर की तरफ से कई चेतावनियां अफगानिस्तान को दी गई, तालिबान हुकूमत को दी गई, हम क्या ये माने कि आने वाले वक्त में वाकई में पाकिस्तान की आर्मी ये दम दिखाएगी कि बड़ी बड़ी सुपर पावर के कब्रगाह में जाकर कदम रखेगी यानी कि अफगानिस्तान में?
बिल्कुल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान आर्मी की ना तो काबिलियत है और ना उनकी लीडरशिप ये करवा सकती है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन अफगान तालिबान ने फुल ब्लास्ट कर दिया इनके ऊपर, तो इनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन अफगानी जो वहां लड़ते हैं उनका लड़ने का तरीका बहुत अलग है। और जब वो लड़ेंगे पाकिस्तान सेना से, और मेरे को याद है वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था 2013 में, एक पाकिस्तान पोस्ट पे अफगानियों ने हमला किया था, इतना सॉलिड हमला किया था, तो ये कोस्ट एक जगह थी। तो कहने का मतलब है कि वहां पर पाकिस्तान सेना ना कर सकती है, ना कभी करने जाएगी, क्योंकि उनको पता है इसका बहुत बड़ा परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज तो वो TTP से ही नहीं लड़ पा रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या इनकी काबिलियत है? ये सिर्फ सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स हैं दिखाने को कि हमारे में बहुत ताकत है, उनमें कोई ताकत नहीं है, वो खोखले हो चुके हैं, उनकी मिलिट्री पावर बिल्कुल खोखली हो चुकी है। और यहाँ उनको जो अपनी फोर्सेस हैं ईस्टर्न बॉर्डर में भी उनके डिप्लॉय कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो उनके पास ना तो इतनी फोर्स लेवल है और नहीं कर सकते हैं वहां पर। बल्कि मेरे को यह भी पता है कि वहां चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा, वहां आर्मी ऑफिसर्स और फ्रंटियर फोर्स के ऑफिसर्स वहां पोस्टिंग चाहते ही नहीं है, कोई नहीं वहां जाना चाहता है, सब डरते हैं। तो ये ग्राउंड की हकीकत है, पाकिस्तान सेना की बिल्कुल काबिलियत नहीं है कि अफगानिस्तान तालिबान से जाके लड़े और उनकी धरती पर जाके उनके ऊपर अटैक करे, बल्कि उल्टा ही होगा, ये अफगानी जो तालिबान है वो इनके ऊपर अटैक करेंगे, और जब ज्यादा ही हो जाएगा तो TTP इनके साथ बिल्कुल मिल जाएगी। अभी तो TTP बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर रही है, बिल्कुल वहां पर जरूर उनके पास बेसिस है, लेकिन जिस दिन वो मिल गए और ये बलूचिस्तान ये तीनों मिल गए तो पाकिस्तान का तो बुरा ही हाल हो जाएगा। तो मिलिट्री वाइज पाकिस्तान आर्मी की कोई कैपेबिलिटी वहां नहीं है अफगान अफगानिस्तान। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा सर, माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से, लेकिन ये मुलाकात जर्मनी में हुई, लेकिन चर्चा इस बात की क्योंकि 24 घंटे पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से भी मिले थे, तो चल क्या रहा है वो ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। जर्मनी में मिले अमेरिका भारत के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री जयशंकर में बातचीत हुई। जर्मनी में मिले अमेरिका भारत के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री जयशंकर में बातचीत। लाल सागर में तनाव पर दोनों के बीच चर्चा हुई। क्वाड और चीन की चुनौती पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। जर्मनी में मिले अमेरिका भारत के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर में बातचीत। रेड सी को लेकर दोनों में चर्चा हुई। क्वाड को लेकर भी लंबी बातचीत दोनों के बीच हुई है। और जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चल रहे हैं। जर्मनी में मिले भारत अमेरिका के विदेश मंत्री जयशंकर से मिले एंटोनी ब्लिंकन। लाल सागर पर बातचीत हुई है। चीन की चुनौती पर दोनों में चर्चा। क्वेट और हिंद महासागर पे चर्चा। अमेरिका में भारतीयों की हत्या एक बड़ा अहम मुद्दा है, इस पे भी हम बात करेंगे। पिछले 30 दिन में 7 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों की हत्या की गई है। वांगी से भी मिले एंटोनी ब्लिंकन, कई अहम मुद्दे जिन पे बात होगी। और सीधा कमांडर भूषण दीवान के पास मैं चला हूं। कमांडर भूषण दीवान, किस प्रकार से इस अहम अपडेट को हम देखें, 24 घंटे में 2 मुलाकातें एंटोनी ब्लिंकन की, एक मुलाकात वांगी जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, दूसरी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से, मुद्दा क्वेट का भी है और रेड सी का भी है, आपका नजरिया सर? ये म्यूनिच कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 7वां साल है और ये हर साल होती है फरवरी में जी। अभी आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है और ये 450 लोग दुनिया भर के टॉप डिसीजन मेकर बैठते हैं। अभी हाल में क्या है, 3 बड़े भारी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में और वो तीनों जो है वो मतलब एशिया में है। यूक्रेन तो नॉर्थ एशिया के नॉर्थ समझ लीजिए, इसराइल हमास, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक में। अब ये चीज है कि इसके चलते अब सारा फोकस सिक्योरिटी जो है वो इंडिया और चाइना और अमेरिका पे आ रहा है। और ये बात हो रही है कि देखिए क्योंकि चीन सिर उठा रहा है अमेरिका को दबाने के लिए, तो इंडिया और यूएसए का मिलना आपस में बहुत जरूरी है। तो अब इंडिया अनकमिटेड है, कोल्ड वॉर में अलग बात थी कि रशिया और वो ये अभी अभी जब रशिया को कंटेन कर रहा था तो इंडिया का क्या रोल था वो पुरानी बातें,
अभी चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया ने बहुत भारी रोल प्ले करना है, इसलिए इंडिया की बहुत भारी अहमियत है अमेरिका के साथ। तो क्वाड की बात भी आएगी, 5 एयरक्राफ्ट कैरियर जो बात वेस्ट पैसिफिक की आगे वो भी आएगी। बिल्कुल सर, जो 2025 ऐसा है कि जो ताइवान के ऊपर अटैक भी हो सकता है, तो ये देखना है कि ये चीज तो बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट इंडिया के लिए है कि इस चीज को आगे ले जाए। इसको तो मैं नहीं कहूंगा कि ये एशियन नेटो बनेगा, चाइना कहता है हम एशियन नेटो नहीं कहेंगे। इंडिया ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास एकदम बैठ जाए ऐसे, हम अपनी आर्मी अपनी डिफेंस पूरी तो समझ रखेंगे। मैं बस 30 सेकंड में एक जवाब आपसे चाहता हूं। आपने ताइवान का जिक्र बीच में किया, क्या जो इसराइल जिस प्रकार से हमास के खिलाफ उलझा हुआ है गजा में, जिस प्रकार से रूस पिछले 2 साल से यूक्रेन में जीत नहीं हासिल कर पाए, क्या उसके बाद भी जिनपिंग सोच रहे हैं कि मैं ताइवान का रुख करूं, पॉसिबल है सर? देखिए वो तो 2025 में करना है उन्होंने, अभी तो खैर कंपल्सरी इलेक्ट्रिक करना है, मैं बता रहा हूँ जरूर करना है। अभी तो उनका जो नया प्रेसिडेंट आ गया वो भी उन्हें होप दुबा दी, जो नए लाइक करके प्रेसिडेंट आए ताइवान के, तो वो भी प्रो ताइवान है। और देखिए नॉर्थ कोरिया क्या काम कर रहा है, वही बात हो रही है, हुतियों ने कुछ किया तो अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी, अब वहां नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे किया, चाइना ने फिलीपींस पे किया, उनको अमेरिका को वहां डाइवर्ट करने का तरीका है रूस का और चीन का, तो अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता है, आधे एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहां डाल दिए, तो ये होगा और होने के लिए चेकमेट है, नोबडी सॉल्जर कोई नहीं है, पर चेकमेट है, इतना आसान नहीं होगा। चेकमेट तो दिया अमेरिका ने। और नंबर टू डोमेस्टिक कंपल्शन है, नवंबर इलेक्शन अमेरिका की है, तो बाइडेन ने देखना है बड़ा स्ट्रांग आदमी है, तो वह एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं सब कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं हो, पर चीन का तो इरादा पक्का है कि इनको मिलाना है, वो तो रुकने वाले नहीं मेरी समझ में, ठीक है, वो रोक नहीं सकता है। ठीक है डॉक्टर महेंद्र सिंह, लेकिन एक पॉइंट और भी था, पिछले 30 दिनों के अंदर 7 भारतीयों की हत्या, ये बहुत अहम पॉइंट है और इस पे बातचीत भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में हुई है, इसे हम किस लिहाज से देखें? और क्वैड की बात हमने की, लेकिन क्वैड की मीटिंग लगातार टल रही है, क्वैड के फ्यूचर पर भी कई सवाल हैं डॉक्टर महेंद्र। जो अश्वेत अगर ये जो है उस तरीके से हेट क्राइम है तो ये और बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है और बहुत ही सक्षम रूप से जो है इंडियन डायस्पोरा यूएस में है, और खासकर अगर सिलिकॉन वैली देखें उसके अलावा जो बड़ी संख्या में जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वर्किंग वीजा के अलावा जो स्टूडेंट वीजा है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है अगर इस तरीके के जो अटैक होते हैं तो ये मुद्दा निश्चित रूप से रहा होगा। लेकिन जो ऑफिशियल है कि एक जो रेड्स की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन के वहाँ पे जिस प्रकार से हूती रेबल्स ने अटैक किया है और उससे हजारों जो है शिप्स को जो है रीरूट किया जा रहा है केप ऑफ गुड होप से और उससे जो फ्रेट कॉस्ट बढ़ जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये चीन के साथ भी ये इस मुद्दे पे चर्चा हुई होगी चीन के विदेश मंत्री के साथ भी, क्योंकि चीन का थोड़ा लिवरेज इस समय हो गया है मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो, खासकर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया के तरीके से उन्होंने राजनयिक संपर्क बनाए, तो ये साफ है। तो ये दो प्रमुख मुद्दे हैं। हाँ, जहाँ तक क्वाड की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ ठीक है बैठक हो टल नहीं हो, लेकिन क्वाड इस समय जो है पूरे विश्व की जरूरत है, अगर चीन की जो विस्तारवादी है जो साम्राज्यवादी नीति है उसको उस पर लगाम लगानी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो रोक सकते हैं या लेकिन अगर उस पर लगाम लगानी है तो क्वाड को एक फॉर्म लेना पड़ेगा, और खासकर जो उसका आर्थिक पहलू है, राजेश जी मैं बार बार आपके शो में जोर देता हूँ कि जिस तरीके से जो एक क्वाड में जो ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाने की बात है कि किस तरीके से चीन पे पूरा विश्व जो है आर्थिक रूप से निर्भर ना रहे, तो ये एक प्रमुख मुद्दा है जहां तक सैन्य जो सहयोग है उसके अलावा चाइना तो प्लस लेना ही पड़ेगा। जी चाइना प्लस वन की बात हो रही है दरअसल, उसमें आप भारत को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वियतनाम की भी चर्चा बहुत जोरों से है। मेरा एक आखिरी पॉइंट मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, जिस प्रकार से इंडियन नेवी की रोल जो है वो हमने रेड सी में देखा है बहुत ज्यादा हुआ है, उस बीच आज जो कमांडर भूषण दीवान सर भी कह रहे थे कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और जो है वो चीन के आसपास अमेरिका ने भेज दिए हैं,
क्या ब्लू वाटर में वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है सर, इस लिहाज से देखें? कहां पर बड़ा होने वाला है? ब्लू वाटर यानी कि नीले पानी के अंदर, चाहे फिर वो रेड सी हो या फिर जाके साउथ चाइना सी हो सर। देखिए पहली बात, रेड सी में तो काफी कुछ हो रहा है जी, और भारतीय नौसेना ने बहुत अच्छा काम किया है उधर, चाहे पाकिस्तानी सेलर्स हो या ईरानी सेलर्स हो, कईयों को रेस्क्यू किया है जी। और हमारे जो नेवल कमांडोज हैं, जो मेरीन कमांडोज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरे ख्याल इंटरनेशनल उसमें हमें अक्लोड्स मिल रहे हैं कि भारतीय जो नेवी है उसका काम बहुत अच्छा रहा है, और ये साफ जाहिर करता है कि जो हमारी नेवी की ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज है वो बढ़ती जा रही है जी। जहां तक बाकी दूसरी इंडो पैसिफिक में है, देखिए पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है। ये जो एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के तौर पे ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय किए जाते हैं हर सेना द्वारा, और इसी प्रकार अमेरिका ने भी वहां पर डिप्लॉय किए हैं ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के तौर पे, और नेवल फ्लीट्स डिप्लॉय की जाती हैं, और इंडियन नेवी की भी जो प्रेजेंस है चाहे इंडो पैसिफिक में है या पूरे अरेबियन सी इंडियन ओशन में, तो मेरे ख्याल ये एक साफ मैसेज है चाइना को कि चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, चाहे सी फ्रंट हो या लैंड फ्रंट हो, हम हमेशा तैयार रहेंगे, पर कॉन्फ्लिक्ट वहां सी में हो सकता है नहीं, इसको आज की तारीख में बहुत मुश्किल है बोला, पर्शियन गल्फ में या रेड सी में तो हो ही रहा है, लेकिन ये अभी इंडो पैसिफिक में होगा इसकी संभावना ना भी हो, क्योंकि देखिए जब स्ट्रेटेजिक डिटरेंस ही काम हो जाता है जी, तो हो सकता है कि शायद संभावना ना हो, लेकिन वक्त बदलते वो कुछ नहीं पता चलता। इसराइल हमास का लड़ाई देखिए, शांति से सब काम चल रहा था, और एकदम 7 अक्टूबर के बाद पूरी वेव एक और नया फ्रंट खुल गया, लेकिन हमें लगता है इंतजार करना होगा थोड़ा सा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल संजय मेस्टन सर बहुत बहुत शुक्रिया, कमांडर भूषण दीवान सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर महिंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो भारत का अफगानिस्तान में बहुत अहम रोल है, अभी भी अफगानिस्तान के लोग भारत को बहुत प्यार करते हैं, और अगर भारत चाहे और बातचीत करे तो फिर एक बात बन सकती है और एक ऐसी सरकार बन सकती है जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल